हमारे घर में कभी कुछ खराब कभी कुछ खराब, और सिर्फ एक आरओ ही बचा था। आज उसकी भी बारी आ गई, तो रिपेयर करने के लिए हमने बुलाया भैया को। और यहाँ पे हो रहा है आरओ सर्विस। भैया कह रहे आज सब कुछ चेंज कर दूंगा मैं, बिल्कुल नया ही बना दूंगा इसको। A few moments later. वक्त ने मजबूत बनाया मुझे। सारा दिन ये क्या एमी वेमेंट आई वो ही सुनता रहता है, कुछ और आता है तेरे को? अरे यार इधर आओ ना यार, बंटाई की पब्लिक बोले तो तकलीफ तकलीफ तो होनी है। बंटाई अटेला है, मेरे को सारे ही हिप हॉप आर्टिस्ट पसंद है, कृष्णा एमी वे रफ्तार, आई लाइक ऑल ऑफ देम। आई लाइक हिप हॉप जॉनर और बॉलीवुड म्यूजिक आई अवॉइड, ओनली केसरिया आई लाइक। नया बच्चा तो दिखा दो, न्यू बेबी। ये मेरा न्यू बेबी, इसी को बेड रोक रखा है इसने। मम्मी इसी को देखना, उसी के पास बैठ जाएंगी, उसी पे लेट जाएंगी। वो देखो ये पिल्लो भी बना दिया है, ये इतना सॉफ्ट है, दिल करता है इस पे लेटती हूं। ये देखना छोटी बच्ची मम्मी। यार मम्मी यार सच्ची मैं कहने लगा था यू आर सो क्यूट, फिर मैंने कहा छोड़ो टैडी इज सो क्यूट। नहीं इसको क्यूट बोलते हैं टैडी, ये सच में बहुत क्यूट है यार। ये देखो टैडी इज वेरी क्यूट। टैडी चल, हाय ना एक घर का मेंबर बन गए भाई। ये देखो इसकी हाइट देखो। चलो गाइस फाइनली आई एम मैरिड नाउ अगेन आफ्टर ऑफलाइन मैरिज। आई वांट ऑनलाइन मैरिज, आई डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट बट I'm married. No, this is my baby. ओए मम्मी, ओ गिर जाओगे। इतने बड़े तो तुम भी नहीं थे जितना बड़ा ये डैडी भेज दिया। ओ भाई साहब एक बार इसकी हाइट देखो यार। ये सच्ची मम्मी को बड़ा मजा आ रहा है। सच में मेरे को मजा आ रहा है कि इतने टाइम बाद, हाँ इतने टाइम बाद बच्चा घर पे। डैडी यू आर अ क्यूट डैडी। लेट है आओ मम्मी। हाँ ये क्या है? ये एक बेबी आया मेरे लिए, इतना बड़ा पला पलाया। किसने भेजा है ये? कुकू एंड श्रीजा। हाँ। मम्मी कसम से आपकी जितनी हाइट है इसकी, आपकी होगी कितनी? 3 फुट, ये 3.5। 3 फुट तो आप 3 फुट नहीं हो क्या? बच्चों ने बोला कि बांटी के बच्चे तो बड़े हो गए, चलो एक और बच्चा दे देते। सच्ची कितना बड़ा है ये। इसको उठा के घूमूं क्या? और सही में वैसे आप आपसे ज्यादा भारी है ये। कुछ भी मेरे तेल ही तेल लगा हुआ है बहुत ज्यादा। मैंने जिंदगी में अपने फर्स्ट टाइम मसाज करवाई है। सो गया था जाते? ओ भाई मैं तो एकदम निखराटे तो नहीं मार रहा था, बट नींद आ गई थी मेरे को। हाँ, तो वो तेरी मसाज थी वो ही ना, स्लीपी पता नहीं कौन सी स्लीप थेरेपी थी। स्लीप थेरेपी मैंने बस ऐसे ऐप डाली थी, तो मैंने कहा भाई ट्रायल लेके देख लेते हैं, तो फिर मसाज ले ली, सो गया मैं। टॉवल दो, नहाया मेरे को। नहीं नहीं अभी नहीं जाना है नानी, आपको मेरा काम हो गया है, मैंने पहले बाथरूम साफ करूंगी। नहीं नहीं मैं तो बाथरूम साफ कर रही हूं। अरे कहां से बाथरूम साफ कर रहा हूं? ये देखो पोछा नहीं लगा, झाड़ू नहीं लगा अभी। पोछा बाथरूम में नहीं होता, पहले पहले पोछा होता है। उसको होता है कि बाथरूम में मत घुसो, मैं सफाई कर रही हूं। तो बस अभी वो देखो नीचे दिखाओ एक बार, अभी सफाई करनी पड़ेगी आपको। 1 घंटा लगेगा, उससे पहले मैं करके 5 मिनट में वापस। नहीं अरे 5 मिनट इसको बिठा दिया और खुद अभी पोछा लगाना बाकी है। कह रही है नहीं मेरे को पहले करना है। हाँ जी जी अब कैसे रोकोगे? कह रही है मैं बाथरूम नहीं धोऊंगी, ऐसी चली जाऊंगी। मेरा पिया घर आया है, कहेंगे जब देखो कैमरा लेके खड़ी रहती है। ओके मैम। ओए आज तो बड़े स्वीट बन रहे हो, गर्मी नहीं लगी क्या बाहर? चलता है होता है दुनिया है। बाद में बात करते हैं। पानी पीना? अरे चाय पिला और कुछ खाने पीने। ये भी हंस रही है। भाभी मजे ले रही है। उसको पता है मलम साहब की चाय ही कभी खत्म नहीं होती। Later that same evening. ये लो शाम कॉफी पी लो, और तैयारी हो रही है यहाँ पे कपड़े, ये अटैची छगन का ब्लॉग आने वाला है। कुछ
कुछ बहुत ही स्पेशल आने वाला है। मम्मी को मैंने सुनाया क्या बना रहा हूँ। मम्मी कैसा लग रहा है आपको सुनने में? मजा आने वाला है। सुन के तो अच्छा ही लग रहा है। सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है। भी अच्छा। नहीं, बहुत बढ़िया बनेगा जो तेरा आइडिया है। और छगन जा रहे हैं व्लॉग करने। बस ये जूते साथ दे दे क्योंकि चुभते हैं ये वाले थोड़े थोड़े। ये तो शोशे के लिए होते हैं। ये शोशे वाले जूते हैं सच में? हाँ, ये शोशे वाले जूते हैं। जूते होते हैं जो स्पोर्ट्स शूज होते हैं, एडिडास। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है। तेरे को चुभते हैं ना शूज? ये ले, ये देसी हैक। तो करके देख। आइए, जो लाइफ हैक की हम मजाक उड़ाते हैं वीडियोस में देखते हैं, आज हम सीरियसली अपनी लाइफ में लगाने वाले हैं। अब इन जूतों की दिक्कत यह है कि यहाँ पीछे से चुभते हैं तो शू बाइट हो जाती है ना, तो हम बटन घुसाएंगे। और थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी हैं। और खोल के ऐसे गुछू-मुछू करके मत रखना, नहीं तो और ज्यादा चुभेगा। मजा नहीं आया। इसको फैला के लगा ना, मैं बताती हूँ। स्पोर्ट्स शू पहनने का तेरे को बिल्कुल नहीं अच्छे ना। क्या बात है, दिखने भी तो चाहिए अच्छे। अच्छा, शोशा करना है ना? सोशल मीडिया का जमाना है तो शोशा ही तो करेंगे। हाउ डू यू फील नाउ? फ्लाइट का टाइम हो रहा है और ये इतनी देर से ऊपर गया। क्या बस आगे नीचे मैं सामान लेने आया था। हाँ, तो वैसे ही पता कितना ज्यादा ट्रैफिक है, है? ये छगन जा रहा है ब्लॉक करने। सीक्रेट है वो। चल ओके ओके, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। बढ़िया सब व्लॉग करके आना। बाय बाय छगन। मेरी आइडिया पसंद आया, होपफुली वीडियो भी उतनी बढ़िया बनेगी। जय माता दी। लाइक ड्रॉप यार। मम्मी यार, ये 24 घंटे रिकॉर्डिंग है, तुम पर्दा में रहने दो। मुझे पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। तो सिक्स पैक एब्स तो दिखाने का जमाना है। ये तूने खाना बाजार से मंगाया है? बताया तो था आपको। क्या बताया था? कि बताया नहीं था, मतलब आप ऊपर थे। एक मिनट, मैं नोनू गया और तो मैंने तेरे को बोला कि अबू मैं ना ऊपर जरा पौधों में पानी डालने जा रही हूँ और आके खाना बनाती हूँ, और आके क्या देखती हूँ? ये खाना देखो ये देखो, सब्जियाँ फल पत्तियाँ क्यों खा रहा हूँ? तुम्हारे लिए खा रहा हूँ ताकि एब्स बना के। तो ये सब्जियाँ फल पत्तियाँ ये सब मैंने तेरे को बोला मैं बना दूँ, तूने कहा नहीं मैंने नहीं खानी। बोला ये कब? ओ, कितना झूठा है ना ये लड़का। ने कहा चल मैं पौधों में पानी डाल के आ रही हूँ, ये इतने में जी पानी डालने वाला पार्ट ना मेरे दिमाग से स्किप हो गया। मतलब फोन में तुम लोग इतना बिजी हो जाते हो कि कोई क्या बोलता है तुम्हें समझ ही नहीं आती। मम्मी मेरी जान, मेरे को नहीं खाना। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। हाँ, सावन की बात है। तो हमारे घर की एक रिवायत है ना, एक दूसरे के पैर से चप्पल उतरवाना। बता, बाहर इतनी चप्पलें पड़ी हैं और फिर आके पापा के पैर से चप्पल उतरवा रहे हैं। पापा चप्पल देना। अपने घर को ही आया, देखा तुसी कौन बैठे है वो कमरे च? नया मेंबर आया अपने घर। तेरे फुफड़ वगैरह लग रहा मोटा ताजा। तो पैर पहने करो जाके फुफड़।